अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम साइंस के थर्ड यूनिट का असाइनमेंट नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो असाइनमेंट नंबर 5 है चैप्टर लाइफ साइकिल ऑफ एन एलिमेंट्स, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन है मार्क दिस सेंटेंसेस विथ टिक और क्रॉस, यानी आपने जो नीचे सेंटेंसेस आपको दिए जा रहे हैं, आपने उस सेंटेंस को पढ़कर अगर वो सेंटेंस सही है तो आपने टिक लगाना है, अगर वो सेंटेंस गलत है तो आपने फॉल्स लगाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉग्स एग्स आर कॉल्ड स्पॉन, फ्रॉग्स के जो अंडे होते हैं उनको हम स्पॉन कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, सो इसके आगे आप टिक लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास है बर्ड्स हैच आउट ऑफ एग्स, जो अंडे होते हैं उसमें से परिंदे निकलते हैं, या परिंदे जो है वो अंडों में से निकलते हैं। तो ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस सही है, सो आप टिक लगा दें। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास बेबी बर्ड्स कैन सी वेल व्हेन दे आर बॉर्न, बेबी बर्ड्स होती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से देख सकती हैं जब वो पैदा होती हैं। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि बेबी बर्ड्स जो है वो जब पैदा होती हैं उस वक्त वो सही नहीं देखती, सो उनकी आंखें वीक होती हैं, उनके प्यूपल्स वीक होती हैं, उनकी आई लैशेस वीक होती हैं, सो ये सेंटेंस रॉन्ग है, सो इसके आगे आपने क्रॉस लगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4 आपके पास है यंग फ्रॉग्स आर कॉल्ड फ्राई, जो यंग फ्रॉग्स होते हैं उनको हम फ्राई कहते हैं, ये गलत है, टैडपोल कहा जाता है उनको, सो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, सो इसके आगे आपने क्रॉस का निशान लगाना है। और लास्ट सेंटेंस आपके पास है सेंटेंस नंबर 5 कैटरपिलर हैच आउट ऑफ एग्स, ये जो कैटरपिलर होती हैं ये अंडों से निकलते हैं, तो ये भी सही है जी, कैटरपिलर अंडों से ही निकलते हैं, सो इट इज ऑल्सो अ करेक्ट सेंटेंस, टिक लगा देंगे। सो ये थी जी आपकी एक्टिविटी, आपका असाइनमेंट नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।